तो हेलो गाइस, जानू हियर, वन ऑफ योर पीटीई ट्यूटर। आज हम लोगों ने पियर्सन का रियल मॉक टेस्ट दिया है, क्योंकि यही मॉक टेस्ट है जो एक पियर्सन का रियल स्कोर देता है और रियल लेवल आपको बताता है। इस मॉक टेस्ट में अपनों ने सिंगल लाइन रीड आउट किया। अगर पूरा रीड आउट पढ़ना नहीं आता तो ये वीडियो जरूर देखना। अगर रिपीट सेंटेंसेस पूरा सेंटेंस नहीं बोलना आता तो ये वीडियो जरूर देखना कि सिर्फ 4 या 5 वर्ड कंटेंट में बोलने पर कितना स्कोर लिया जा सकता है। डिस्क्राइब एन इमेज, रीट इलेक्शन में कौन से नए टेम्पलेट यूज करने हैं, इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। नए एक्सपेरिमेंट किए हैं इस वीडियो के अंदर, प्लस ये लाइव मॉक टेस्ट दिया मैंने, मेरे स्टूडेंट्स पीछे बैठे थे, उन सब ने वॉच किया कि कैसे मैं बिहेव करूंगा 4 या 5 वर्ड में, कैसे मैं बोलूंगा, सब कुछ उन्होंने नोटिस किया। तो उनके सामने ही मैंने पियर्सन का ऑफिशियल मॉक टेस्ट दिया है, एंड तक जरूर देखना। इसमें उन्होंने रिपीट सेंटेंस में कंटेंट बहुत कम बोला है, 4 या 5 वर्ड ही बोले हैं सिर्फ। और देखना मेरा फ्लो, आपने मेरी लय देखनी है, कैसे मैं प्रनाउंस करता हूँ, कैसे मेरा ओपन वर्ड समझ आ रहा है, सिंगल लाइन जज करना मेरी। मैं ही मानता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देखोगे ना और मेरे रील और ध्यान से सुन रहे हो कि मैं कैसा बोल रहा हूँ, कॉपी कर लोगे तो इतना स्कोर आ जाना है। सिर्फ 4 या 5 वर्ड ही बोले अभी कंटेंट, अभी कंटेंट थोड़ा सा और ज्यादा होगा तो स्कोर और ज्यादा अप हो जाएगा। और रीडिंग में आप लोगों को मिला 40 मार्क्स। रीडिंग में 40 मार्क्स किस चीज से मिले हैं? रीडिंग में 40 मार्क्स सिर्फ रीड अलाउड अटेम्प्ट किया, देन उसके बाद में राइटिंग समरी से और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड से। रीडिंग पूरी स्किप है, एक भी रीडिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। अगर रीडिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होता तो रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स के राइटिंग में मार्क्स भी जाते और रीडिंग में मार्क्स भी अप होते। और रीडिंग एक भी चीज नहीं अटेम्प्ट किया, सिर्फ स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग अटेम्प्ट किया, जिसमें से भी रिपीट कंटेंट बहुत कम बोला है। तो कैसा स्कोर मिला है, कितना स्कोर मिला है, वीडियो को एंड तक देखना। एंड एंड में आपको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कैसा बोलना है, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है इस चीज को। टॉपिक व्हिच इज क्लियरली शोन ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन। ये लो, आप बता देना कौन सा नंबर टेस्ट करना है। 4 मॉक टेस्ट हैं इसमें, जो आप कहोगे वो लगा देते हैं। ए बी सी डी, विच वन? लास्ट लास्ट सी। लो अब शांत, मोस्ट पीपल डू नॉट रियलाइज दैट सम बैंक्स लिटरली मेक मनी बाई गिविंग लोन्स विदाउट हैविंग मनी ऑन डिपॉजिट। मोस्ट पीपल डू नॉट। Most people do not realize that some banks literally make money. Your subject outlines are a good place to go to find information about which textbooks to buy. You will learn, but if you are missing, your subject outlines are a good place to go to find. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Information tak padhne ki try karenge. Your subject outlines are a good place to go to find information about. The book is no ordinary book and should not be read through from beginning to end. This book is no ordinary book and should not be read through from beginning to end. Two sisters were at a dinner party when the conversation turned to upbringing. Two sisters were at a dinner party when the conversation 5, 6, 7, 8, 9, 10. Two sisters were at a dinner party when the conversation. Two sisters were at a dinner party when the conversation. Two sisters were at a dinner party when the conversation. Nature offers no greater splendor than the starry sky on a clear dark night.
नेचर ऑफर्स नो ग्रेटर स्प्लेंडर देन द स्टेरी स्काई ऑन अ क्लियर डार्क नाइट. Nature offers no greater splendor than the starry sky on a clear dark night. The advantage of the great European and American orchestra is that they were able to establish their iconic status in an age where their identity could become entrenched. There was less competition and it was easier to create a brand. Not only did they have the best halls, they attracted the best musicians who tended to stay put. ये मैं पूरा ही read कर देता हूँ, ठीक है? एंट्रेंस्ड को स्किप कर देंगे. द एडवांटेज ऑफ द ग्रेट यूरोपियन एंड अमेरिकन ऑर्केस्ट्रा इज दैट दे वर एबल टू एस्टैब्लिश देयर आइकॉनिक स्टेटस इन एन एज वेयर द आइडेंटिटी कुड बिकम देयर वॉज लेस कॉम्पिटिशन एंड इट वॉज इजियर टू क्रिएट अ ब्रांड. नॉट ओनली डिड दे हैव द बेस्ट होल्स, दे अट्रैक्टेड द बेस्ट म्यूजिशियंस हु टेंडेड टू स्टे पुट. Despite a number of events in recent years devoted to language diversity, population know that they are public awareness of the issue is still remarkably limited. Despite a number of events in recent years devoted to language diversity. ए नंबर से पढ़ेंगे, डिस्पाइट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और मतलब क्लियर नहीं निकलेगा, इससे बढ़िया ए नंबर से लेकर डाइवर्सिटी तक. डिवोटेड अ नंबर ऑफ इवेंट्स इन रीसेंट ईयर्स डिवोटेड टू लैंग्वेज डाइवर्सिटी. फोर या फाइव वर्ड्स बोलेंगे. 39.5% ऑफ कैलिफोर्निया रेजिडेंट्स डू नॉट स्पीक इंग्लिश इन द होम. 39.5% of Californian residents. The tutorial rooms are located along the left-hand side. The tutorial room are, it is very important. Let's see if the technology is going to cooperate for this presentation. Let's see if the technology, it is very important. She doesn't care about anything but what is honest and true. What is honest and true, it is important. Children are not allowed in tutorial rooms at any time. Children are not allowed in any room. In Europe, the political pressure is similar regarding globalization. In Europe, the political pressure. Politicians make much better decisions when they listen to public opinion. When they listen to public opinion. We have very little actual documentation of it. We have very little actual documentation. We've been doing research in that area for probably over 25 years. We have been doing research. It is very important. The media have had a great influence on people's beliefs and attitudes. People's beliefs and attitude. It is very important. The final exam will test material from all chapters covered in class this term. The final exam will cover, it is important.
The image gives clear information about the main topic, which is clearly shown on the top of the screen after highlighting the main topic. The image shows more information about many other factors that are represented in various numbers. There are many words like barriers of visiting museums. There are many numbers like 1, 2, 3, 4, and 5. There are many colors like red, blue, black, and white, maximum, minimum. Overall, the image is very beautiful and interesting for me. The image gives clear information about the main topic, which is clearly shown on the top of the screen. अब वो कंटेंट पूरा नहीं हुआ तो मैंने वापिस से बोल दिया. The image gives clear information about the main topic where international companies have their European headquarters, which is clearly shown on the top of the screen. After highlighting the main topic, the image shows more information about many other factors that are represented in various numbers. There are many words like international companies, European. There are many numbers like 25, 50, 75. There are many colors like red, blue, black, and white. Maximum, minimum. Overall, the image is very beautiful and interesting for me. The image gives clear information about the main topic, income by age and gender, which is clearly shown on the top of the screen. After highlighting the main topic, the image shows more information about many other factors that are represented in various numbers. There are many words like gender, both female, male. There are many numbers like 1, 2, 3, 4. There are many colors like red, blue, black, and white, maximum, minimum. Overall, the image is very beautiful and interesting for me. In conclusion, the image is very informative for me. The image gives clear information about the main topic, which is clearly shown on the top of the screen, recycling and manufacturing, which is clearly shown on the top of the screen. After highlighting the main topic, the image shows more information about many other factors that are represented in various numbers. There are many words like manufacturers, retailers, recycling and consumers. There are many numbers like 1, 2, 3, 4. There are many colors like red, blue, black and white, maximum, minimum. Overall, the image is very beautiful and interesting for me. Now, economists calculate, and it's a back-of-the-envelope calculation, that removing all immigration controls would double the size of the world economy. And even a small relaxation of immigration controls would lead to disproportionately big gains. Now, from an ethical point of view, it's hard to argue against a policy that would do so much to help people who are much poorer than ourselves. The famous RAND study reckons that the typical immigrant who arrives in the US ends up $20,000 a year better off. And it's not just the migrants themselves who gain, it's the countries that they come from. Already, the migrants working from poor countries, working in rich countries, send home around $200 billion a year through formal channels, and perhaps twice that through informal channels. And that compares to the mere $100 billion that Western governments give in aid. And those remittances, they're not wasted on weapons, they're not siphoned off into Swiss bank accounts. They go straight into the pockets of local people. They pay for food, they pay for clean medicine, clean water, they pay for medicines. They help keep kids in school. They help start up new businesses. Economic calculation was the main topic of the lecture. The speaker told about economics calculation and world economy. The speaker mentioned about ethical point of view with immigration and US citizenship. The speaker also explained about country and poor or rich about their incomes. The speaker described about $100 billion and Swiss bank account. Overall, the lecture was very informative for you. This lecture also highlighted the importance of technology in the field of science and education. Many inventions are very important for the modern society.
What is formed when snow melts? Water. Does mathematics or linguistics cover the study of the relationships between numbers? Mathematics and number. What's the word for the fourth basic arithmetical operation? Addition, subtraction, multiplication, and... Multiplication. It is very important. How many times does an isolated incident occur? I don't know. What type of coastal building warns sailors of dangerous coasts? I don't know. How often is a quarterly journal published? I don't know.
तो ओवरऑल स्कोर हमारे लिए मायने नहीं रखता, 54 ओवरऑल स्कोर मिला हमें और स्पीकिंग में मिल गया हमें 67। तो पहले बात करते हैं एक एक मॉड्यूल से, एक एक चीज को एनालिसिस करता हूँ और बताता हूँ आपको, फिर आपको पूरी बात समझ आएगी कि ये स्कोर कम है या स्कोर ये वाकई सही है। तो देखिए स्पीकिंग में मिला हमें 67। अब पहले क्या था कि स्पीकिंग में ना आप फ्लुएंसी में रिपीटेंस कुछ भी बोल दें, रिपीटेंस अगर कंटेंट नहीं भी बोलोगे ना तभी बात बन जाती थी, स्पीकिंग में नंबर आ जाता थे, पर अब ऐसा नहीं है, कंटेंट है तभी फ्लुएंसी प्रोनंसिएशन मिलेगी, अदरवाइज फ्लुएंसी प्रोनंसिएशन भी आपकी ब्रेकआउट मानी जाएगी, नहीं मिलेगी आपको स्कोर्स में। तो पहली बात का ये ध्यान रखना है हमने कि कंटेंट एटलीस्ट बोलना है, 3 या 4 वर्ड्स बोले होंगे तभी फ्लुएंसी प्रोनंसिएशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अगर आप सिर्फ 4-5 वर्ड्स तक ही बोलते हैं तब आप यहीं तक ही पहुंचेंगे, मतलब 6.5 स्कोर ले सकते हैं लिसनिंग में भी और स्पीकिंग में भी, अगर 4-5 वर्ड्स बोलोगे। अगर 5-6 वर्ड बोले तो स्कोर 65 तक चला जाएगा, 6-7 वर्ड बोले तो स्कोर चला जाएगा 65-70, 7-8 वर्ड्स देन अबव होता जाएगा। ये कंटेंट का पैरामीटर है विद फ्लुएंसी एंड प्रोनंसिएशन तो राइट होनी ही चाहिए हर बार। एंड सेकंड बात करते हैं, अब अपने को रीडिंग में मिला 40 मार्क्स। रीडिंग में 40 मार्क्स किस चीज का मिला, रीड अलाउड मैंने कैसा बोला, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड मैंने मिस्टेक की थी, इसके अंदर 2 नेगेटिव मार्किंग की, उस 2 नेगेटिव मार्किंग के कारण मेरे 3 से 4 नंबर रीडिंग में कट हो गए। कुछ भी करना बट हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, क्योंकि रीडिंग में आपका मार्क्स उससे कट होगा और बहुत ज्यादा कट होता है। मिस कर दो कोई ना, जिसमें श्योरिटी नहीं है मिस कर दो, बट हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड को सही ढंग से करना। मैंने इसमें लाइव जब किया मॉक टेस्ट वहां पे थोड़ा मेरे पास माउस नहीं था, सो दैट्स व्हाई मैंने हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में बहुत मिस्टेक्स की हैं, शायद 2-1 मिस किया है और 2-3 में नेगेटिव मार्किंग की, तो शायद मे बी दैट्स व्हाई इसके कारण मुझे रीडिंग में पेनल्टी लगी, अदरवाइज रीडिंग में स्कोर मिलना चाहिए था 45 मार्क्स, एटलीस्ट 45-46। तो 4-5 नंबर मेरे ख्याल से एक आधा वर्ड प्रोनंसिएशन का रॉन्ग हुआ रीड अलाउड से, प्लस 1-2-3 नंबर मेरे को हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड से कम हुए, तो यहां से कम होने की पेनल्टी मुझे लगी इसलिए 40 मार्क्स मिले। अब अगर 40 मार्क्स रीडिंग में मैंने बिना कुछ किए लिए रीडिंग में, तो क्या यार मैं 10 नंबर नहीं ले सकता और तीर तुक्के मार के रीडिंग में है? 10 नंबर वो ले लिया तो 20 नंबर की रीडिंग, मतलब 50% रीडिंग जिसकी अच्छी होती है उसने 20 मार्क्स ले लेने हैं, 40 और 20 कितने होते हैं 60 मार्क्स, 6.5 किसके हो जाएंगे जिसकी 50% रीडिंग अच्छी है, 30 ले लिए 70 हो जाने हैं, 40 के 40 ले लिए तो 8 बैंड की रीडिंग होगी आपके लिए। कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा टास्क नहीं है, सिंपल समझना और मैंने अटेम्प्ट कैसे किया ये जरूर देखना, वो आपको आइडिया लगेगा कि मेरी एक्यूरेसी क्या है। लिसनिंग में मैंने राइट फ्रॉम डिक्टेशन अटेम्प्ट किया है, राइट फ्रॉम डिक्टेशन अटेम्प्ट करने से लिसनिंग में जो राइटिंग में स्कोर मिला उसमें भी राइट फ्रॉम डिक्टेशन में मैंने मिस्टेक की है, लिसनिंग ब्लैंक्स में मैंने मिस्टेक्स की है, तब जाके मुझे इतना स्कोर कम मिला है। और 20 मार्क्स जो हमें मिलने थे रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स से राइटिंग में वो जीरो है एकदम, उसमें से एटलीस्ट 10 मार्क्स तो लिए होते तो 68 हो जाते। ये जो पैरामीटर जो मैंने एग्जाम दिया ना ये 6.5 स्कोर के लिए है लगभग, कि 6.5 और 7 तक का स्कोर आप इतना ही काम करोगे ना तब भी आ जाने, बट अगर यहीं आपका लेवल थोड़ा सा और अप होता है, रिपीट में कंटेंट और अच्छा होता है, रीडिंग में 10-20 क्वेश्चन में अच्छे कर देता तो स्कोर और अप हो जाना था, यही 62-63 पे पहुंच जाते आप। बट कुल मिला के ये एक्सपेरिमेंट मेन तो हमारा स्पीकिंग के लिए था प्लस और रीडिंग में स्कोर देखने के लिए था कि स्पीकिंग में स्पीकिंग रीड अलाउड से और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड से कितने मार्क्स मिल सकते हैं हमें रीडिंग में। तो रीडिंग में 40 मार्क्स मिला है तो मोर देन इनफ है, और स्पीकिंग में 67 7 बैंड आ जाएंगे अगर आप 4-5 वर्ड्स बोलते हो, थोड़ा सा ज्यादा बोलोगे तो थोड़ा सा और अप हो जाओगे। तो मैं आपको ये प्रेफरेंस दूंगा कि 5-7 वर्ड्स टारगेट रखिए, 5-7 वर्ड अगर हमारा टारगेट होगा ना तो 70 क्रॉस कर जाओगे। ये एग्जाम में यार 1-2 रिपीटेशन थोड़े लैग भी किए ना तब भी बात बन जाएगी। तो ये ओवरऑल एक्सपेरिमेंट था। अब डिस्क्राइब एन इमेज रीटेल लेक्चर में जो मैंने नए टेम्पलेट्स बोले हैं उन टेम्पलेट्स को यूज कैसे करना है, आपको कौन से टेम्पलेट यूज करने हैं कैसे करने हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं नए टेम्पलेट्स से रिलेटेड सारी वीडियो एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मैंने रियल टाइम एग्जाम एक्सपेरिमेंट अभी दिया है तो उस पर भी मैंने नई टेम्पलेट ही यूज किए हैं। तो अगर आपको नए टेम्पलेट से रिलेटेड सारी वीडियो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट जरूर करना एंड वीडियो को शेयर जरूर करना। जो भी अभी लेटेस्ट आपके इर्द गिर्द एग्जाम देना चाहते हैं उनको एटलीस्ट ये वीडियो देख लेंगे ना तो बहुत से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि सिंगल एंड वॉक करती है या नहीं करती, क्योंकि ये रियल एग्जाम मॉक टेस्ट है। इसके अलावा पीएसएन का कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि जो पीएसएन जैसी मार्किंग करता हो, सिर्फ यही है सॉफ्टवेयर जो रियल मार्किंग करता है। और इसमें अभी टेम्पलेट के टास्क अपडेट नहीं हुए हैं, टेम्पलेट वाले मॉड्यूल्स अभी अपडेट नहीं किए हैं, डिस्क्राइब इमेज डिटेल लेक्चर राइटिंग समरी राइटिंग ऐसे, तो इसमें तो आप पीएसएन के मॉक टेस्ट में पुराने टेम्पलेट भी कर देंगे ना तो स्कोर आ जाएगा, बट एग्जाम में पुराने टेम्पलेट करेंगे तो स्कोर नहीं आएगा, टेम्पलेट चेंज करने हैं आपको। कौन से टेम्पलेट वर्किंग है इस वीडियो में कमेंट जरूर करना, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, अपना स्कोर एनालिसिस करवा सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी लेके आऊँ आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।